नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पांच बेस्ट केमिकल स्टॉक्स के बारे में, जिनमें हम इन्वेस्ट करके चलेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चलेंगे तो निश्चित ही ये शेयर आपको काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन से हैं वो शेयर। उसके पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो को इसके बिल्कुल मत करें क्योंकि आज मैंने जो स्टॉक पिक किए हैं वो काफी शानदार स्टॉक हैं और फ्यूचर में काफी अच्छा रिटर्न बना के देंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कौन सा है वो पहला स्टॉक। वो है फिलोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। केमिकल क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशलिटी केमिकल्स का, जो कि यूज होती है टेक्सटाइल में, कंस्ट्रक्शन में, वाटर ट्रीटमेंट में, फर्टिलाइजर, लेदर और पेंट इंडस्ट्री में। तो काफी अच्छा बिजनेस सेगमेंट है इनका दोस्तों, काफी अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में दोस्तों आप इन्वेस्ट करके जरूर चलें दोस्तों, और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट करें क्योंकि इनके जो क्लाइंटेल हैं, क्लाइंट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे वेल्स फंड, वांसवारा सिंटेक्स, नहर, रेमंड, अरविंद, बॉम्बे डाइंग, पीडीलाइट, दीपक फर्टिलाइजर और कई सारे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों। मार्केट कैप की बात कर ली जाए तो कंपनी का मार्केट कैप है 3,751 करोड़ का, और शेयर का जो करंट प्राइस है वो है 340 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ये घट बढ़ भी सकता है अगले ट्रेडिंग सेशन में। बात की जाए आरओसी की तो 31.1% का आरओसी है, जो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है दोस्तों। आरओई भी 23.4% का है, काफ़ी अच्छा, और डिविडेंड भी देती है कंपनी। तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनी के आंकड़े काफ़ी ज़बरदस्त हैं दोस्तों। केमिकल क्षेत्र की कंपनी है, केमिकल क्षेत्र में इस टाइम दोस्तों बूम आया हुआ है, तो आप इसमें पैसा लगा के दोस्तों चल सकते हैं। बात कर लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स के पास 64.94% की होल्डिंग है। वहीं FIIs ने भी 0.04% की होल्डिंग ले रखी है। पब्लिक के पास 29.67% की होल्डिंग है और DIIs के पास 5.35% की होल्डिंग है। तो काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न से। बात की जाए सेल्स की तो वो भी काफ़ी अच्छे सेल्स ट्रेंड है दोस्तों। प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में ही ग्रोथ देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छा है शेयर दोस्तों। आप इसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में दोस्तों। तो नेक्स्ट शेयर है अपना लॉर्ड क्लोरो एल्केली लिमिटेड। लॉर्ड्स क्लोरो एल्केली लिमिटेड ये 1989 में बनी कंपनी है और ये प्रोडक्शन करती है कास्टिक सोडा और दूसरी केमिकल्स का। जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है दोस्तों, तो उसमें ये इंक्लूड करते हैं कास्टिक सोडा, लाई एंड फ्लेक्स, ब्लीच लिक्वर, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोजन गैस, ट्राइक्लोरो इथिलीन, लिक्विड क्लोरीन एक्सेट्रा। तो कंपनी की काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट रेंज है और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है पेपर शॉप, डाइस, केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के लिए, वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जो कि वेस्ड हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में। तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और प्लांट जो इनके इंस्टॉल्ड हैं उनकी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। तो बात कर ली जाए कंपनी के मार्केट कैप की, तो 722 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और करंट प्राइस है शेयर का 287 रुपये दोस्तों। आरओसी है 34% का, जो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। आरओई है 32.3% का, काफ़ी अच्छा आरओई है दोस्तों। और बात कर ली जाए कंपनी के और आंकड़ों की, तो कंपनी के आंकड़े काफ़ी दमदार हैं। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी काफ़ी ज़बरदस्त है। 74.72% की प्रमोटर्स होल्डिंग है और पब्लिक के पास 25.24% की होल्डिंग है। DIIs के पास भी 0.04% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल कंपनी के जो मेन मेन आंकड़े होते हैं दोस्तों, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर दे रहा हूँ। बाकी आप अपना रिसर्च खुद करें तभी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें दोस्तों। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट शेयर है वो है कैमक्रक्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड। 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग करती है पैरा क्लोरोबेंजोइक का, ऑर्थोबेंजोइक एसिड का और लेसामाइड का। काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट रेंज है और कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट की मैन्युफैक्चरिंग करती है ये, जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। वहीं बात की जाए कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की, तो कंपनी एक R&D फैसिलिटी डेवलप कर रही है GIDC अंकलेश्वर गुजरात में, तो काफ़ी अच्छे इनके फ्यूचर प्लान्स हैं। वहीं बात की जाए कंपनी के मार्केट कैप की, तो
59 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस शेयर का चल रहा है 445 रुपये का, और ROCE है 48.1% का, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है दोस्तों। ROE भी 36.5% का है, वो भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो ओवरऑल कंपनी के जो मेन मेन आंकड़े हैं वो काफ़ी दमदार है दोस्तों। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा पैसा बना के देगी। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो कंपनी का जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 72.94% की होल्डिंग है, वहीं पब्लिक के पास 27.06% की होल्डिंग है। तो दोस्तों ओवरऑल आंकड़े जो हैं काफ़ी दमदार आंकड़े हैं दोस्तों, तो इसमें आप अपने रिसर्च करें दोस्तों, और पैसा तभी इन्वेस्ट करें किसी भी शेयर में जब आप खुद संतुष्ट हों दोस्तों। तो इस जो शेयर मैं बता रहा हूँ इनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के बारे में, तो वो है पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो है कास्टिक सोडा, और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कास्टिक सोडा की नॉर्थ इंडिया रीजन में, और इनके जो बाई प्रोडक्ट हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिक्विड क्लोरीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन गैस हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों, और बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, तो 1864 करोड़ का मार्केट कैप है, और करेंट प्राइस है शेयर का 76.90 पैसे का, तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पर अभी शेयर अवेलेबल है। बात की जाए ROCE की, तो 39.0% का ROCE है, जो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, और ROE भी 30.6% का है। तो ओवरऑल कंपनी के आंकड़े काफ़ी दमदार हैं। नज़र डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर, तो प्रमोटर्स के पास 31.35% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 68.60% की होल्डिंग है। थोड़ा बहुत प्रमोटर्स होल्डिंग में कमी दिखाई देती है दोस्तों, हालांकि ओवरऑल आंकड़े जो कंपनी है वो काफ़ी दमदार हैं, तो इसमें भी आप अपना मन बना के चल सकते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं अपने लास्ट शेयर के बारे में, तो उसका नाम है इंडो अमाइंस लिमिटेड। कंपनी वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपिंग और सप्लाई करती है फाइन और स्पेशलिटी केमिकल्स का, परफॉर्मेंस केमिकल्स का, परफ्यूमरी केमिकल्स का और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का। कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में हैं दोस्तों। जो ये कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है उनका इस्तेमाल कई सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स में, एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल्स में, हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर्स में, पेंट्स में, पिगमेंट्स में, प्रिंटिंग इंक्स में होता है, एडिटिव्स में होता है, सर्फेक्टेंट्स में होता है, डाइस, रोड कंस्ट्रक्शन में, फ्लेवर्स में, फ्रेग्रेंस में, और जो होम और पर्सनल केयर यूसेज होते हैं उनमें, पेट्रोकेमिकल्स में, पेस्टिसाइड में और परफ्यूम्स में। तो काफ़ी अच्छे दोस्तों इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं दोस्तों कई सारी इंडस्ट्री में। बात की जाए कंपनी के मार्केट कैप की, तो 1022 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और शेयर का जो करंट प्राइस है वो है 144 रुपये का। ROCE है 13.5% का, जो कि एवरेज कहा जा सकता है, ROE 13% का है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, और बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो वो भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। प्रमोटर्स के पास 69.33% की होल्डिंग है, FIIs के पास भी 0.01% की होल्डिंग है, और वहीं पब्लिक के पास 30.66% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी लगातार इंक्रीज कर रहे हैं दोस्तों, FIIs की भी एंट्री हो रखी है इसमें, तो आप अपने बजट के हिसाब से इस शेयर में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं दोस्तों। ये पांचों शेयर जो आज इस वीडियो में डिस्कस हुए हैं, ये पांचों शेयर में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे और पेशेंस के साथ होल्ड करके चलेंगे, तो निश्चित ही बहुत अच्छा पैसा बना के देंगे, क्योंकि केमिकल सेक्टर फ्यूचर है दोस्तों, केमिकल सेक्टर बूम पर है दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छा पैसा बनता है। आप कई सारे स्टॉक उठा के देख लीजिए दोस्तों, मेक मनी हुआ, या कई सारे स्टॉक विनाइल केमिकल्स देख लीजिए, कहाँ थे शेयर दोस्तों और आज कहाँ पहुँच गए हैं दोस्तों। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने मेन मेन पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर आपको लगता है कहीं कुछ पॉइंट छूट गया है, तो आप अपनी तरफ से रिसर्च करें और तभी इन्वेस्ट करें दोस्तों। और आखिर में आप अपने चैनल SPG स्टॉक अपडेट को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे दोस्तों। और वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और शेयर भी करते रहें, कमेंट भी करें दोस्तों, जिससे कि मोटिवेशन बना रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक थैंक यू।